नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, अतीत की मौत पार्ट टू। फिर वह खुद केबिन में प्रविष्ट हो गया। अब जरा मैं भी अतीत की सैर करके आता हूँ। 400 वर्ष पूर्व के युग में चलता हूँ, जब भारत पर मुगल बादशाह राज करते थे। कंप्यूटर पर उसने 400 वर्ष पूर्व का समय और स्थान सेट कर दिया। फिर रिमोट का बटन दबाते ही, ओह, मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। हे भगवान, यह तो सचमुच मुगल काल है। यह दुकानें और बाजार, ऐसा लग रहा है जैसे मैं सपना देख रहा हूँ। तभी वह चौंका, जरा इसका लिबास देखो। ओह, यह लोग मुझे देखकर हैरान हैं। कहाँ से आया है यह? कौन है यह? मुझे यहाँ से चल देना चाहिए। अपने लिबास के कारण मैं इनसे अलग दिख रहा हूँ। तभी, हटो हटो, शाही रिसाला आ रहा है, रास्ता छोड़ दो, हट जाओ। रॉकी भी दौड़कर रास्ते के किनारे खड़ा हो गया। यह मुगल फौजियों की टुकड़ी है, शायद इसे ही रिसाला कहा जाता है। शाही रिसाला गुजर गया तो स्थिति फिर सामान्य हो गई। रॉकी बाजार में घूमता हुआ फलों की एक दुकान के सामने रुक गया। कितने ताजे फल हैं, अंगूर देखकर तो मुंह में पानी आ गया है। दुकानदार ने फलों की एक टोकरी के बदले ग्राहक से एक सुनहरा सिक्का वसूल किया था। ओह, यह तो सोने की अशर्फी है। तभी, क्या देख रहे हैं किबला, आप हमारे देश के तो लगते नहीं, कहाँ से तशरीफ लाए हैं? कुछ फल वगैरह खरीदेंगे? फल? लेकिन मेरे पास अशर्फी नहीं है। अशर्फी भी नहीं है और लिबास से भी आप अजीब लगते हैं, आखिर आप हैं कौन? मैं भी तुम्हारी तरह अल्लाह का बंदा हूँ भाई, उसने चालाकी से गोलमोल उत्तर दिया और वहाँ से आगे बढ़ गया। कुछ आगे आकर उसने सड़क के किनारे एक अंधे फकीर को देखा। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे बाबा, उसने अंधे फकीर के कटोरे में अशर्फी डाली है। उसके मन में अशर्फी प्राप्त करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। वह जल्दी से आगे बढ़ा और अरे देखो, वह फकीर के कटोरे से अशर्फी चुरा रहा है। ओह, चोर कहीं का, उफ, यह मुसीबत कहाँ से आ गई। घबराकर वह वहाँ से भाग खड़ा हुआ। पकड़ो, चोर चोर चोर, राहगीर का शोर सुनकर बहुत से लोग रॉकी का पीछा करने लगे। पकड़ो, चोर चोर। तभी सामने से आ रहे एक राहगीर ने उसे दबोच लिया। चोरी करके भागता है। ओह, मगर रॉकी इस तरह की स्थिति से निपटने का अभ्यस्त था। अगले ही पल धाड़, उफ, उसे गिराकर वह फिर दौड़ने लगा। लोग शोर मचाते हुए उसका पीछा कर रहे थे। इस गली में घुस जाता हूँ, पीछा करने वालों में अब घुड़सवार सिपाही भी शामिल हो गए थे। इस गली से वह पीछे की तरफ मैदान में निकलेगा, उधर चलो। गली पार करने के बाद सचमुच रॉकी एक खुले मैदान में पहुंचा था। शायद मैं उनको धोखा देने में सफल हो गया हूं। तभी वह रहा, ओह, यह तो सिपाही हैं, पकड़ लो। वह पूरी शक्ति लगाकर दौड़ने लगा, लेकिन कुछ ही क्षण में सिपाहियों ने उसे घेर लिया। ओह, घबराहट और भाग दौड़ में वह रिमोट के बारे में भूल ही गया था। लेकिन अचानक उसकी याद आते ही उसने जेब से रिमोट निकाल लिया। अब वर्तमान में भागना होगा। अगले ही पल भग, उफ, अगले ही पल वह वर्तमान में था। थैंक गॉड, मैं सुरक्षित वापस आ गया हूँ। मगर ठीक समय पर रिमोट का स्विच न दबा देता तो मुगल सिपाही मुझे तलवारों से काट डालते। फिर वह अपने कमरे में आ गया और आराम से बैठकर उस अशर्फी का निरीक्षण करने लगा। असली सोना है, मार्केट में इसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। अशर्फी बेचने के इरादे से वह बाजार में निकला। अगर सुनार के पास गया तो वह इस प्राचीन अशर्फी को देखकर उल्टे सीधे सवाल पूछेगा। मैं भला उसे क्या बताऊंगा कि मेरे पास यह कहां से आई। तभी उसको एक एंटीक शॉप दिखाई दी, यहां कुछ बात बन सकती है। वह तुरंत दुकान में प्रविष्ट हो गया। दुकानदार उस समय एक विदेशी जोड़े को कुछ प्राचीन चीज़ें दिखाने में व्यस्त था। यह ग्राहकों से फारिग हो जाए फिर बात करूँगा। दुकानदार के खाली होते ही वह काउंटर पर पहुंच गया। आइए सर, क्या चीज़ दिखाऊं? मैं प्राचीन सिक्कों के बारे में जानकारी चाहता हूं। सर, प्राचीन सिक्के तो बहुत दुर्लभ होते हैं, अगर आप मुझे बताएं कि आपको कौन सा सिक्का चाहिए तो मैं कोशिश कर सकता हूं। बात यह है कि मैं सिक्के खरीदने नहीं बल्कि बेचने आया हूं, दुकानदार ने दिलचस्पी से कहा। अच्छा, किस दौर के सिक्के हैं आपके पास? फिलहाल तो आपको मुगल काल की एक अशर्फी दिखा सकता हूँ, वैसे मेरे पास हर युग के और हर देश के सिक्के हैं, कहकर उसने अशर्फी निकाल कर दुकानदार को दे दी।
दुकानदार ने अशरफी का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। बिल्कुल असली और शानदार चीज़ है, मैं इसे खरीदने के लिए तैयार हूँ, और आपके पास जितने भी सिक्के हैं मैं सब खरीद सकता हूँ। शर्त यह है कि सिक्के असली होने चाहिए। सिक्के असली होंगे, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, आप कभी यह नहीं पूछेंगे कि वह सिक्के मैं कहाँ से ला रहा हूँ। मैं आपसे कभी कुछ नहीं पूछूंगा, आप सिक्के ला कर दे, मैं आँख बंद करके खरीद लूँगा। तो फिर मिलाइए हाथ। दुकानदार ने उसे अशरफी की जो कीमत दी थी वह रॉकी के अनुमान से भी कहीं अधिक थी, अतः दुकान से निकलते हुए वह बहुत खुश था। टाइम मशीन द्वारा दौलत कमाने का एक बहुत ही आसान तरीका मिल गया है। अतीत के किसी भी युग में जाओ, वहाँ से कुछ सिक्के उठाओ और वर्तमान में लाकर अच्छी कीमत पर बेच दो। दुकानदार ने उससे सन 1902 के कुछ सिक्के मांगे थे, इसलिए उसने सन 1902 में जाने का फैसला किया। सिर्फ 90 वर्ष पीछे जाना है, उस समय चांदी का रुपया चलता था, वही दुकानदार को चाहिए। कुछ ही क्षण बाद आ गया 1902 में। अब सिक्के कैसे प्राप्त करूं? क्या किसी से छीन लूं? तभी उसे बाजार से जरा हटकर एक शराब खाना दिखाई दिया। आहा, यहाँ तो पुरानी शराब मिल सकती है, पहले एक दो पैक पीता हूँ। वह शराब खाने में घुसकर एक मेज पर जा बैठा। ओह, मैंने गलती कर दी, यहाँ भी लोग मेरे लिबास के कारण मुझे हैरत से देख रहे हैं। तभी, ए यू इंडियन, तुम इस बार में काय को आया, यहाँ इंडियन नहीं आने को सकता। लेकिन यह बार इंडिया में ही तो है। लेकिन जवाब देते हुए वह भूल गया था कि 1902 में भारत पर अंग्रेजों का शासन था। उसका जवाब सुनकर वह अंग्रेज क्रोध में भर खड़ा हुआ। यू इंडियन डॉग, जुबान लड़ाता है, ओह और धाड़, आह यू बास्टर्ड, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, ठाक उफ। लेकिन जैसे ही उस अंग्रेज ने दूसरी ठोकर मारने के लिए पांव घुमाया, टांग तोड़ दूंगा साले, आउच धाड़ आह, रॉकी क्रोध से उठा और ढिशुम ई ए स्टॉप इट, छोड़ दे। रॉकी क्रोध से पागल हो रहा था, उसने दूसरे व्यक्ति को भी पीटना शुरू कर दिया। ढिशुम धाड़ त्राक, बार में शोर मचा हुआ था। कॉल द पुलिस, ढिशुम, लगता है यह इंडियन पागल हो गया है। ओह, एक बार रॉकी ने जब उस अंग्रेज को नीचे गिराया तो ओह सिक्के, और वह लड़ाई भूलकर तुरंत सिक्के चुनने लगा। इन्हीं के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। तभी ओह पुलिस इंस्पेक्टर, अरेस्ट हिम। इस बार रॉकी तनिक भी विचलित नहीं हुआ था, उसने बड़े इत्मीनान से जेब से रिमोट निकाला और स्विच दबा दिया। ओह गॉड माय गॉड, ओह, वर्तमान में पहुंचने के बाद मैंने वहां लड़ाई मोल लेकर मूर्खता की थी, आगे से इस तरह के मौकों से बचना होगा। फिर उसने अतीत में जाकर अपने काम करने का तरीका बदल दिया था। अब वह रिमोट अपने हाथ में रखता था और किसी के हाथ में भी सिक्के देखते ही झपट लेता था, ए हा 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 हा, और भक ओह। एंटीक शॉप का मालिक उसके द्वारा लाए गए सिक्कों का अच्छा मूल्य दे रहा था। तुम तो बड़े काम के आदमी निकले यार, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे पास हर युग के सिक्के हैं। तो फिर अगली बार मुझे 16वीं शताब्दी के फ्रांस में प्रचलित सिक्के लाकर देना, वह सिक्के चौकोर होते थे और खालिस सोने के थे। ठीक है, मैं सिक्के लाऊंगा। उसी शाम उसने टाइम मशीन में घुसकर 16वीं शताब्दी का समय सेट किया और प्राचीन फ्रांस के एक कस्बे में जाने के लिए स्विच दबा दिया। अगले ही पल वह 16वीं शताब्दी के एक फ्रांसीसी कस्बे के बाजार में खड़ा था। क्या बात है, यहाँ तो कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा है। वह टहलता हुआ आगे बढ़ा और एक दुकान के सामने रुक गया। भीतर कोई दिखाई नहीं दे रहा है, देखता हूँ शायद कुछ सिक्के मिल ही जाएं। दुकान में घुसते ही उसे एक लाश दिखाई दी। ओह, लाश की कमर में चमड़े की एक थैली लटकी हुई थी। यह कैसे मरा, यह सोचने का समय नहीं है मेरे पास, मुझे तो यह देखना है इस थैली में क्या है। थैली खोलते ही वह चौंक उठा। ओह, इतने सारे सिक्के, इस बार तो बड़ा तगड़ा माल हाथ लगा है। तुरंत ही उसने वर्तमान में वापस जाने के लिए स्विच दबाया। केबिन में वापस पहुंचकर उसने खुशी से हाथ में पकड़ी थैली को देखा। इतने सिक्के देखकर तो एंटीक शॉप का मालिक हैरान हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने कुर्सी से उठना चाहा, उसे अपने पेट में सख्त पीड़ा महसूस हुई। ओह आई, यह क्या हो रहा है मुझे, मेरी अतड़ियाँ क्यों खिंच रही हैं, आह आई।
तभी उसे जोर से उबकाई आई। उल्टी में उसके मुंह से गाढ़ा गाढ़ा खून निकला था। अब वह पीड़ा के कारण केबिन में जलबिन मछली की तरह तड़प रहा था, और क्योंकि केबिन बहुत छोटा था इसलिए उसके हाथ पांव लगने के कारण स्विच बोर्ड टूट फूट गया था। तभी टूटे फूटे स्विच बोर्ड के तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ और पटाखे से छूटने लगे। तभी रॉकी को एक और उल्टी आई और उसके साथ ही उसके प्राण निकल गए। आह! कुछ ही क्षण बाद वहाँ टूटी फूटी टाइम मशीन के बीच रॉकी की लाश पड़ी थी। दो दिन बाद अखबारों में रूपनगर के विषय में सनसनीखेज खबर प्रकाशित हुई। खबर में लिखा था कि रूपनगर में अचानक प्लेग फैलने के कारण सैकड़ों व्यक्ति मर गए हैं। एक अखबार ने लिखा था, एक मकान के कमरे में एक लाश बहुत ही रहस्यमय स्थिति में मिली है। वह लाश एक ऐसी मशीन के निकट पड़ी थी जो पूरी तरह टूट फूट चुकी थी। लाश के हाथ में एक चमड़े की थैली थी जिसमें 16वीं शताब्दी में फ्रांस में प्रचलित सिक्के भरे थे, और विशेषज्ञों के अनुसार प्लेग के कीटाणु उन्हीं सिक्कों में मौजूद थे। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सिक्के उसी दौर के हैं जब फ्रांस के एक कस्बे में प्लेग की खूनी बीमारी फैल गई थी और कस्बे की पूरी आबादी मौत का ग्रास बन गई थी। कोई भी यह नहीं समझ पा रहा है कि उस खूनी दौर के यह सिक्के इस दौर में कैसे पहुंच गए थे। तफ्तीश जारी है, कोई समझे या ना समझे, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि खूनी सिक्के कहां से आए थे, और यह सब एक लालची चोर के कारण हुआ था। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।